ओके सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो, इंदौर स्वच्छता में नंबर वन है एंड ग्रीनरी में नंबर वन है, आप लोग देख सकते हो। वैसे ही आज हम लोग बताने वाले हैं भोला राम जी से लेके, यहाँ से लेके, पूरा एरिया ये पूरा कोचिंग से भरा हुआ है। जितनी भी फेमस कोचिंग है वो इस एरिया में मिलेंगे। एंड गाइस, यहाँ से आप लोग ग्रीनरी देख रहे हो, कितनी प्यारी है, एकदम बढ़िया। देखो, स्वच्छता एंड ग्रीनरी एंड स्टडी, तीनों में मैं तो कहता हूँ ये भाई देश का नाम रोशन कर रही है। एंड ये पार्टी चल रही है भाई, ये पार्टी चल रही है, लोगों की मस्त एकदम आए भाई। ये वाली बचपन वाली खुशी है ना, बहुत अच्छी लगती है, एकदम मस्त वाली। सो इन लोगों को कोई भी खाने को दे जाता है एंड मस्त लगता है। हाय कर दो भाई। ओके सो गाइस, इन लोगों को भी पढ़ाना है, अपन लोगों को इनको भी आगे बढ़ाना है, अपन को नहीं पढ़ना, सबको पढ़ाना है। एंड ये भी NDPSC की अकेडमी है। ओ भाई भैया सर, बस एकदम चंगा ब्लॉगिंग कर रहा है। ओके ब्लॉगिंग, हेलो माफ़ यार, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दे। देखो भाई, भाई भी बोल रहा है सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि अब भाई भी बोल रहे हैं, तुम लोग भी बोल रहे हो। ऑल लाइट, सो हे गाइस, अक्सा ऑफ द वीडियो वेरी वे। सो गाइस, फाइनली मॉर्निंग हो चुकी है, सो आप सभी को भी गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। कितना मस्त सुबह, तो मज़ा आता है यार, बट नाइट में पूरा नींद नहीं लगा ना, तो पूरी बहुत बहुत बुरी कंडीशन हो रही है। एंड गाइस, मेरा फ्रेंड कुछ इधर बैठा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर मेरा फ्रेंड बैठा है, शायद सो रहा है, बट कोई ना, सुबह भी सोने में मज़ा आता है। सुबह यार जो नींद आती है ना, वो बड़ी प्यारी होती है। सो आज भाई इतना तगड़ा व्यू आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत बहुत बाहर गया हूँ, बट बताने वाला नहीं हूँ कहाँ गया हूँ। एंड बहुत तगड़ा वाला व्यू आएगा भाई, बहुत सेक्सी। सो गाइस, मज़ा आने वाला है एकदम, बहुत तगड़ा वाला। सो मिलते हैं अपन लोग लोकेशन पर, तब तक के लिए गुड नाइट। एंड गाइस, यहाँ से आप लोग देख सकते हो स्वच्छता ग्रीनरी, उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किस चीज़ से, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शिक्षा से। देखो कोचिंग वगैरह स्टार्ट हुई है यहाँ से, एंड आप लोग पढ़ते रहना, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ते रहना, क्योंकि देखो इतनी सारी कोचिंग्स हैं, तो मैं उसका हर एक का कोचिंग का नाम नहीं ले सकता, चेतन तो है ना, मैं हर कोचिंग का नेम नहीं ले सकता। तो जितने मतलब यहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक पूरा एजुकेशन का पॉइंट है, तो पूरा इंदौर ही एजुकेशन का पॉइंट बन गया है, ये कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। पहले तो मतलब होता क्या है कि ये स्वच्छता में आता था एंड ग्रीनरी में आता था, अब ये स्टडी में भी आने लगा है। और एक चीज़ और है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। तो गाइस, ये समाधान है एंड ये ओशियन है, तो आप लोग देखते रहिए, पूरी जितनी भी कोचिंग है, जो मैन कोचिंग है, सबका मतलब बहुत योगदान रहा है। एंड गाइस, सच में ऐसा नहीं लगता कि मतलब ये कोचिंग के लिए पूरा शहर बना हो, एंड ये शिक्षा के लिए पूरा शहर बना हो, ये स्वच्छता के लिए शहर बना हो, ये ग्रीनरी के लिए शहर बना हो, तो ये यार कोचिंग कभी ख़त्म नहीं होने वाली। मेरे को लगता है मेरे को 2-3 दिन तक कंटिन्यूस कवर करनी पड़ेगी, जब जाके पूरी कोचिंग कंप्लीट होएंगी। तो गाइस, मैं तो ये कहता हूँ, हमारा MP देखो शिवपुरी, ग्वालियर एंड दतिया, चारों एरिया के जितने भी इलाके हैं, बहुत बड़ा है MP, सब लोग यहीं पे हैं। भारत का 50% शिक्षा यहाँ पे होती है, मुझे ऐसा लगता है। एंड MP का तो 90% शिक्षा यहीं पे होती है। तो गाइस, आप लोग पूछते रहते हो कि यहाँ पे मतलब नंबर वन कोचिंग कौन सी है, मैं वो आप लोगों को नहीं बताऊँगा, बट मैंने आप लोगों को इतना बता दिया कि आप लोग कोचिंग देखने आए हो तो मतलब पता कर सकते हो, भोला राम से लेके आप भंवर कुआ तक कोचिंग ही कोचिंग देखोगे, या फिर भंवर कुआ से इस साइड आ सकते हो, तो वो भी बेस्ट है। देखो कोचिंग आप लोग अपने हिसाब से पढ़ते रहो, बट मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्या नहीं है, मेरे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और मैं किसी की कोचिंग को ऐसे नहीं बोल सकता कि इसकी कोचिंग बेस्ट है। जो बेस्ट है वो आप लोग देखिए अपने हिसाब से, क्योंकि आप लोग स्टडी कर रहे हो तो वो आप लोग देख सकते हो। एंड
सारी कोचिंग यहाँ पे दिख रही हैं एकदम बढ़िया करके। सो गाइस ये विनर्स है, इसका भी कहीं ना कहीं नाम है। तो सारी कोचिंग्स आप लोगों को यही मिल जाएंगी, एक भी कोचिंग जो फेमस कोचिंग है वो इधर नहीं छूटेगी मेरे से। मेरा हैंड इतना दर्द करने लगता है ना, क्या ही बताऊँ। तो गाइस ये विनर्स है, इसका भी बहुत बड़ा एमपी में तो ये टॉप पे चल रहा है, इतना तो मैं बताऊँगा। एंड काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं इसने, तो वो ही। सो गाइस आई मीन मैंने बहुत जगह देखा, आई मीन दिल्ली में भी एजुकेशन का एक बहुत नाम चलता था। मेरे को तो लगता है ये दिल्ली को भी टक्कर दे रहा है। आई मीन दिल्ली भी पहले काफ़ी अच्छा था, बट अभी मेरे को ये दिल्ली से बेस्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ना हर चीज़ का आपको एक अलग से एजुकेशन पॉइंट मिलेगा। सिर्फ ये सत्यार्थी है, और इसके बाद ये माइंड फोर अकेडमी एंड गाइस B3 बुक्स, ये मेरे को अच्छा लगा। यहाँ पे आपको सब प्रकार की बुक्स मिलेंगी, इसका मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी न्यू निकला है। सो बनता है। सो गाइस यार मैं तो थक ही जाऊँगा, यहाँ से भंवरकुआं तो काफ़ी दूर है। एंड यहाँ से भोलाराम से लेके भंवरकुआं तक है ना पूरा एजुकेशन का पॉइंट है। ये देखो गाइस, गवर्नमेंट को इतनी सारी जॉब निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चे इतने सारे पढ़ रहे हैं ना कि जॉब भी कम पड़ जाती है। तो मेहनत कर सकते हो। एंड ये मेरे को नहीं पता कौन सा है कैंपस। गाइस बहुत सारी है, मैं हर एक का नेम नहीं ले सकता, मेरा हैंड भी दर्द कर रहा है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी, आई मीन हर नेम से यहाँ पे अकेडमी मिलेगी। और ऐसा जो नेम ही नहीं है कोई जो अकेडमी ना हो, आप लोग सोच के देख लेना। आई मीन देखो ये कौन सा है पता नहीं, एक जादौन सा ही IAS अकेडमी आ गया है। गाइस इस साइड भी देख सकते हो, शिक्षा और स्वच्छता और ग्रीनरी, कितना मतलब इसमें इंदौर में वाकई में कुछ है। एक चीज़ में और इंदौर आगे जा रहा है, उसको मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, वो आप लोग देखते रहिए कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा। बट हाँ यार वो भी बनता है, उसको भी मतलब वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। बट रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलेंगे यार, इंदौर में ना स्टडी समथिंग 90% स्टडी हो रही है, सही है। क्योंकि देखो सब लोग बाहर से यहाँ स्टडी करने आते हैं, इधर से यहाँ से स्टडी करने आते हैं, उधर से यहाँ स्टडी करने आते हैं। सो यहाँ पे 90% लोग आते हैं स्टडी करने, तो रिजल्ट्स भी सबसे ज़्यादा यहीं से निकलेंगे, सिंपल है। गाइस यहाँ पे मेरा स्टूडेंट्स लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। आई मीन मैं भी ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, उन्होंने बोला कि हमारी कोचिंगों को ले। और ये ग्रीन डी ना, आई मीन ये भंवरकुआं का भी वो आप लोग दिखाओ, क्योंकि इंदौर पूरा स्वच्छ है लेकिन भंवरकुआं का ज़्यादा किसी ने डाला नहीं है। सो मैं आज पूरी कोचिंग को कवर करूँगा। एंड यहाँ पे मतलब हर नेम से कोचिंग मिलेगी आप लोगों को, हर नेम से। एंड मैं कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोले तो कपल्स लोग बन के घूम रहे हैं, तो भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आप लोग स्टडी के पॉइंट पे अगर ये सब करोगे तो फिर वो आप लोगों को बनता है। एंड गाइस ओके, सो गाइस अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फिजिक्स वाला। आई मीन देखो टीचर्स कितने ज़्यादा कमाने लगे हैं, क्योंकि इसके ऊपर शायद वेब सीरीज या कुछ ऐसा बना है। यहाँ पर फिजिक्स वाला है ऊपर एंड विद्यापीठ, भाई बहुत सारे एजुकेशन पॉइंट हैं, मैं इनके नेम भी नहीं जानता। आई मीन मैं नेम लेते लेते थक जाऊंगा। देखो ये काफ़ी अच्छा एजुकेशन पॉइंट है ये भी, एंड सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। बट गाइस जितना एजुकेशन हो रहा है उसके हिसाब से वैकेंसी भी आना चाहिए, बहुत कम वैकेंसीज आ रही हैं। एंड ये शनिवार को बात तो बिल्कुल भी नहीं आनी। एंड यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत कुछ सामान मिलता है। गाइस ये व्यू मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। देखो सत्यमेव जयते UPSC अकेडमी एंड फिजिक्स वाला एंड कौटिल्य अकेडमी, भाई सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ नहीं यहाँ पे बहुत 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 कुछ है। तो भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है लोग सपोर्ट करते हैं, बट क्या है कि आप लोग कोई, मैं भोपाल में रहता तो भोपाल में ब्लॉग बना रहा था, आई मीन कुछ ऐसी
स्वच्छता वगैरह को लेके, तो वहाँ के लोग मेरे को गाली दे रहे थे। सो आई मीन क्लियरली देखो, यहाँ पे एजुकेशन को लेके लोग रहते हैं तो यहाँ पे कितनी स्वच्छता है इंदौर में। और वहाँ पे भोपाल में था कि भोपाल में लोग, मतलब मेरे को ऐसा ही लगता है भोपाल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, वहाँ पे लोग मेरे को गालियाँ देते थे। टोटल गालियाँ नहीं, मतलब ऐसे टॉन्ट मारना या कमेंट मारना या कुछ भी ऐसी बातें बोलते थे, तो वो सही नहीं है भाई। यहाँ पर मेरे को लोगों ने बोला कि आप मतलब यहाँ का वीडियो पूरा व्यू कवर कीजिए, इसलिए मैं पूरा व्यू कवर करता हूँ। तो गाइस ये कौटिल्य एकेडमी, इसमें मेरे को एक मैम बहुत अच्छी लगती है, बहुत टैलेंटेड अच्छी लगती है। मैम का नेम मैं लूँगा, शायद मैम का नेम मैं गलत लेता हूँ, मैं दो बार ले लिया। संध्या मैम है यहाँ पर, नहीं संध्या मैम नहीं है, पता नहीं मैं भूल जाता हूँ। वो मैम मेरे को काफ़ी अच्छी टैलेंटेड लगती है, वो शायद मोटिवेशनल की वीडियोस भी बनाती हैं। तो भाई ये बेस्ट, एंड आई बस का भी सिस्टम सही है पूरा, ये अंदर आई बस का पूरा हुआ है, एंड यहाँ पे साइकिलिंग वगैरह सब कुछ है। ये भी ले जा सकते हो आप चोरी करके, तो कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे, बट आपके घर से वापस ले आएगा। एंड गाइस ये शर्मा अकेडमी वगैरह भाई उस साइड भी है, अब यहाँ से मतलब उस साइड भी हैं, इस साइड भी हैं, शहीद भगत सिंह अकेडमी, एंड पता नहीं कितनी सारी अकेडमी है यार ये। आई मीन यहाँ पे देखो कितना, मतलब ये स्वच्छता इसलिए है कि यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड लोग रहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो स्वच्छता तो करेंगे ही ना, और जो अनपढ़ लोग रहेंगे वो सिंपल है। यू आर चालाक ब्रो, तो भाई ये ऑडी है, यही मेरा सपना है। यहाँ पर खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह भी मिल सकते हैं। यार मैं बहुत थक जाता हूँ ना, तो वही। तो भाई यहाँ पे आप लोग खा भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, यहाँ पे बहुत कुछ खा सकते हो। गाइस मेरे वजह से ना लोग बहुत दूर दूर भागते हैं। गाइस मैं ना आई पूरी कोचिंग को कवर करूँगा तो शायद मैं बुड्ढा हो जाऊँगा, क्योंकि है ना इतनी सारी कोचिंग है, इतनी दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली में मैं देखा तो इतनी सारी नहीं है। देखो कितनी सारी कोचिंग है, एंड ये वेदांत है, वेदांत IAS एंड MPSC, भाई सब बन जाओ आप लोग, मेहनत तो करो, कोचिंग यहाँ पे एक से एक है। बट यार सच बोल रहा हूँ मैं, इतनी सारी कोचिंग को अगर एक्सप्लोर करने लगा ना तो कितने सारे नेम लगे भाई। ऐसा आप एक नेम बताइए जिस नेम से कोचिंग ना बनी हो, एंड हर नेम से यहाँ पे कोचिंग है। कोई भी एक सिंगल नेम बता दो आप, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नेम बता दो, उस नेम से यहाँ पे कोचिंग मिलेगी। आप अपनी कुछ भी बता दो, एक्स बॉयफ्रेंड का, एक्स गर्लफ्रेंड का नेम, उसी नेम से कोचिंग। देखो आजाद फ्री अकेडमी, एंड भाई ये बेदा IAS IPS MPSC ये अकेडमी भी काफ़ी फेमस है, एंड इसका मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मेरे को काफ़ी पैसे मिलने चाहिए वैसे, बट जिस दिन अगर मैं फेमस हो गया ना उस दिन हम 1 करोड़ रुपए लेंगे। ओके तो गाइस इतनी सारी अकेडमी है, इतनी सारी कोचिंग है, मैं तो भाई बताते बताते थक गया। एंड इंदौर तभी तो एजुकेशन पॉइंट के नाम से जाने लगा, क्योंकि इतनी सारी कोचिंग भाई बहुत बहुत बड़ी बात है। एंड भैया का भी बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है कोचिंगों से लेके भाई, अब नहीं होगा मेरे से, इतनी सारी कोचिंग है मेरे को कवर करने में ना पूरा थक गया। कोचिंग ज़्यादा है यहाँ पर, लोग कम है मेरे को ऐसा लग रहा है, बट कोई ना, अगर हर कोचिंग में 100-100 बंदे आते होंगे तो भाई कितने लोग आ रहे हैं। मेरे को तो लगता है इंदौर कोचिंग के नाम से चल रहा है, आई मीन यहाँ पे कोचिंग के नाम से बेरोजगारी है, कोचिंग के नाम से अच्छी शिक्षा है, सुरक्षा है, सब कुछ यहाँ पे कोचिंग के नाम से है। सच्ची में गाइस देखो यहाँ पे कोचिंग के नाम से शिक्षा है, कोचिंग के नाम से यहाँ पे आई मीन एक धंधे वगैरह सब चल रहे हैं, एंड कोचिंग के नाम से यहाँ पे सफाई है, आई मीन स्वच्छता है। तो स्टडी में दम तो है, आई मीन पढ़े लिखे लोगों को ऐसे ही नहीं बोला जाता कि हाँ कुछ है, बट
कुछ तो होते हैं, क्योंकि देखो ये इस जगह पे पढ़े लिखे लोग घूमते हैं, तो आई मीन एजुकेटेड लोग घूमते हैं, तो कितनी सफाई है। तो इंदौर में एजुकेशन ज़्यादा है तो सफाई भी ज़्यादा है एंड ग्रीनरी भी ज़्यादा है, सब कुछ अच्छा है। उसका एक ही कारण है कि इंदौर में एजुकेशन बहुत अच्छा चल रहा है। तो गाइस कोचिंग तो आप लोग देख सकते हो कितनी सारी हैं, एंड अब मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत जोर का थक गया हूँ। इधर भी कोचिंग है, उस साइड भी कोचिंग है और उस साइड भी कोचिंग है।